hello everyone i hope you guys are doing well and you would be following the lockdown measures as well in this video we are going to talk about the organs which are involved in the digestion system and uh, before we begin i would suggest you to watch the previous video which i made and in which we got familiarized with the all the organs and glands which are involved so let's start So, organs which are involved in the digestive system are mouth, then pharynx, esophagus, small intestine, large intestine, rectum, and anus. Mouth is the first part, and anus is the last part. So, just for your convenience, I'll show you the diagram. Mouth, then we have pharynx, esophagus, then stomach this part is small intestine then from here it starts large intestine and then we have rectum and the last part is anus so you can see that the first part is mouth and the last part is anus okay so now i'll start so in the definition of the digestive system i have uh, Told you about there is, that is it is a group of organ and glands. So organs are these and glands are salivary glands, liver and pancreas. And एंड uh, mouth से और anus तक जो पूरी एक ट्यूबुलर uh, स्ट्रक्चर है या जो पूरे एक सीरीज है ऑर्गन की लाइक माउथ फेरिंग स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन रेक्टम और एनस इस पूरी एक सीरीज को या इस पूरे ग्रुप ऑफ ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं एक साथ एलिमेंट्री कैनाल या फिर गट या फिर डाइजेस्टिव कैनाल बोलते हैं इसकी लेंथ जो होती है वो होती है एट टू टेन मीटर ठीक है तो एट टू टेन मीटर अगर आप इमेजिन करें तो लगभग एक आपका जो रूम होता है उसकी हाइट होती है अराउंड थ्री टू थ्री पॉइंट फाइव मीटर तो लगभग तीन मंजिल तक एक थ्री स्टोरी जो है एक बिल्डिंग वो बनाई जा सकती है इतनी हाइट तक आप पहुंच सकते हो आप अपनी कैनाल की हेल्प से ठीक है सो so, जो एलिमेंट्री कनाल है उसके अंदर कौन कौन से फंक्शन होते हैं एक तो ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है देन एब्जॉर्बशन यानी कि फूड को एब्जॉर्ब करना देन उसका फूड का मूवमेंट ठीक है और जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें कुछ ऑर्गन होते हैं जिनको बोलते हैं पे स्फिंगटर्स एस पी एच आई एन सी टी ई आर स्पिंगटर्स और स्पिंगटर्स क्या होते हैं दीज आर बेसिकली रिंग शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन स्फिंक्टर्स आर रिंग शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन लाइक मान लीजिए ये अगर आपकी एलिमेंट्री कैनाल है तो यहाँ पे ऐसे रिंग शेप गोल गोल शेप में ऐसे होते हैं ये ऐसे इस शेप में होते हैं ये स्फिंक्टर्स। जो क्या करते हैं ये जो फूड का जो फ्लो हो रहा है इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर या फिर बोलेंगे जो एलिमेंट्री कैनाल है इसमें जो फूड का जो फ्लो हो रहा है उसके फ्लो को कंट्रोल करते हैं फूड के फ्लो को और जो डाइजेस्टेड फूड है उसके फ्लो को और जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसके फ्लो को भी कंट्रोल करते हैं ठीक है थीके? बहुत सारे स्फिंक्टर्स होते हैं जो इन्वॉल्व हैं लेकिन कुछ स्फिंक्टर्स हैं जिनके आपको नाम दिए गए हैं आपके इस कोर्स के अंदर तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे बाद में तो हम स्टार्ट करते हैं माउथ से जो माउथ है एक बाउल शेप ऑर्गन होता है ठीक है यू ऑल आर फेमिलियर विद दिस ठीक है माउथ के अगर आप अपनी लिप टंग को जो है अगर आप ऊपर टच करोगे तो आपको एक हार्ड सरफेस मिलती है ठीक है और नीचे होती है कैसी होती है यहाँ पे टंग के नीचे एक सॉफ्ट सरफेस होती है तो ये जो दोनों सरफेस है इनको बोलते हैं यहाँ पे पैलेट बोलते हैं या हिंदी में तो तालू बोलते हैं हिंदी में तो ये जो अपर पैलेट है ये होता है हार्ड और जो लोअर पैलेट है वो होता है यहाँ पे सॉफ्ट देन वी हैव टंग इन माउथ तो टंग क्या होती है एक मस्कुलर organ होता है एंड इट इज अटैच्ड टू द लोअर सॉरी द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बकल कैविटी ठीक है बगल कैविटी किसका नाम है माउथ का ही नाम है जहां से आप बकबक करते हो उसका आप क्या बोलेंगे यहाँ पे बगल कैविटी बोलोगे ठीक है तो ये जो टंग है टंग क्या होती है इस बगल कैविटी के पोस्टीरियर यानी कि पीछे का जो पार्ट है उससे कनेक्टेड होती है ठीक है उसमें अटैच होती है और किसकी हेल्प से कनेक्ट हेल्प से कनेक्टेड होती है यहाँ पे फ्रेनुलम लिंगुअल की हेल्प से कनेक्टेड होती है अगर आप अगर आप मिरर में देखते हो और अगर आप अपनी जो टंग है उसको अगर आप लिफ्ट करते हो तो आप देखते हो कि नीचे एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जिससे वो क्या कनेक्टेड है तो उसका बोलोगे यहां पे क्या बोलोगे। अब हम देखते हैं कि जो माउथ है माउथ में टंग के अलावा भी क्या होते हैं हमारे टीथ होते हैं या दांत होते हैं ठीक है तो पहले ही हम एक वर्ड है उससे फेमुलराइज फेमुलराइज uh, होते हैं डेंटिशन तो डेंटल मीन्स आपको सबको पता है रिलेटेड टू टीथ जो डेंटिस्ट होते हैं वो टीथ के बारे में ही मतलब इलाज वगैरह करते हैं ठीक है ना तो आप इस वर्ड से ऑलरेडी फैमिलियर है डेंटल वर्ड से तो डेंटिशन है डेंटिशन क्या होता है इट इज द नेचर एंड मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ टीथ मतलब कि आपकी जो माउथ है उसके अंदर टीथ कैसे अरेंजड है ठीक है उनका जो नेचर है और उसका जो मोड है उसको मैं क्या बोलते हैं डेंटिशन बोलते हैं जैसे कि आपकी क्लास में है आपकी क्लास में आपको कैसे कैसे अरेंज कर सकते हैं कैसे कैसे बैठा सकते हैं आपको हो सकता है क्लास में आपके दो पार्टीशन कर दिए जाए एक तरफ गर्ल्स एक तरफ बॉयज़ या फिर हो सकता है गर्ल्स आगे बॉयज़ पीछे ठीक है या फिर कैसे एक रो बॉयज़ की एक रो गर्ल्स की तो ये सब आपके अरेंजमेंट के तरीके हैं सेम वैसे ही आपके जो टीथ के जो अरेंजमेंट के तरीके हैं या जो उसका एक नेचर है उसको आप क्या बोलते हैं यहाँ पे डेंटिशन बोलते हो ठीक है तो इसके यहाँ पे जो डेंटिशन है वो किस प्रकार का अपना एक तो है थीकोडोंट और एक है डिफ्योडोंट थीको का मतलब क्या होता है थीकोडोन्ड का मतलब क्या होता है कि अपने जो टीथ हैं वो एक पर्टिकुलर एक मोल्ड के अंदर या एक सांचे के अंदर क्या है वो लगे हुए हैं ठीक है और वो जो सांचा है वो जो मोल्ड है उसको बोलते हैं क्या गम बोलते हैं ठीक है ऑल द टीथ आर लोकेटेड इन अ कूप यानी कि मोल्ड फाउंड इन द जॉ जो अपना जॉ है जो अपना जबड़ा है उस जॉ के अंदर जो कूप है जो मोल्ड है उसके अंदर अपने टीथ क्या अरेन्ज है लोकेटेड है तो इस प्रकार का जो अरेंजमेंट होता है उसको है बोलते हैं यहाँ पे क्या थीकोडोंट बोलते हैं जो टीथ है हमारे वो एक मोल्ड के अंदर एक सांचे के अंदर या फिर एक कूप के अंदर क्या है अरेज्ड है तो इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे थीकोडोंट बोलेंगे और ये जो हमारा मोल्ड है उसको बोलते हैं क्या गम बोलते हैं ठीक है देन अगला जो नेचर है डेंटिसन का वो कैसा यहाँ पे डिफियोडोंट है डिफियो या डाई मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा दो मतलब कि अपने यहां क्या होते हैं दो टाइप के टीथ होते हैं ह्यूमन्स के अंदर द फर्स्ट वन इज टेम्पररी एंड द सेकेंड वन इज परमानेंट टेम्प्रेरी मीन्स जो नॉर्मली हम बोलते हैं दूध के दांत ठीक है जो आपके दस बारह साल की एज तक रहते हैं फिर आपके वो टूट जाते हैं फिर आपके परमानेंट टीथ आते हैं तो यूजअली जो टीथ के टाइप हैं ह्यूम्स के अंदर वो हम पढ़ते हैं एक बार ऊपर जो हमने पढ़ा थीकोडोंट और डिफोडोंट ये दोनों क्या है पे आपके ये टाइप आपके डेंटिशन के कि आपके जो माउथ है उस माउथ के अंदर किस तरीके से आपके टीथ अरेंज्ड हैं ठीक है अब यहां पे जो टीथ के जो टाइप है वो हम यहां देखेंगे इंसीजर कैनाइंस प्रीमोलर्स एंड मोलर्स ठीक है तो इनसीजर मीन्स जो सीजर का मतलब क्या होता है कैंची काटना ठीक है ना तो जो आपके दांत का काम आते हैं कटिंग के और बाइटिंग के काम आते हैं उनका बोलोगे इंसीजर्स ठीक है और ये क्या होते हैं आपके जस्ट मुंह के जो फ्रंट वाला फ्रंट वाला जो पार्ट है जो फ्रंट वाले जो दांत होते हैं उनका बोलते हैं कि यहाँ पे इंसीजर्स बोलते हो और ये कितने होते हैं चार होते हैं ईट जॉ के अंदर एक आपका अपर जो है एक आपका लोअर जो है तो अपर जॉ के अंदर भी चार है और लोअर जॉ में क्या पे क्या है चार इंसीजर्स हैं द नेक्स्ट वी हैव ठीक है ये जो है केनाइंस मेनली ज्यादा डेवलप किसमें होते हैं कार्डिवल्स में डेवलप होते हैं ठीक है जैसे यानी कि जो मीट ईटिंग जो एनिमल्स हैं उनमें क्या होते हैं कैनाइंस ज्यादा डेवलप होते हैं उनमें ज्यादा बढ़िया आपको दिखाई देते हैं जैसा कि आपने कोई मूवी देखी होगी जो ड्रैकुलर वगैरह की जो मूवी होती हैं जो ब्लड सक करते हैं ठीक है तो आपने देखा होगा उनके ऊपर नीचे दो दो दांत होते हैं ठीक है तो इन कैंस का टीयर करना फाड़ना, है? ये क्या होते हैं दो कैनाइंस होते हैं मतलब कि दो आपके होते हैं दो क्या होते हैं नीचे होते हैं जो आपके चार इंसीजर हैं? सामने ऊपर और नीचे जॉ के अंदर ठीक है उन चार इंसिजर के जस्ट साइड में आपके दो कैंस होते हैं ठीक है और ये जो भी आ, बोर्ड का पेपर था आपका 2020 का उसके अंदर आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो यही था कि हाउ मनी कनाइन हाउ मेनी कनाइंस आर फाउंड इन ईच जॉ तो आपको मैं बोला था ईच जॉ ठीक है अगर आपको ईच जो बोला तो आपका आंसर वहां आपको होना चाहिए था क्या टू अगर आपको सिंपली वो क्या बोलता कि हाउ मेनी कनाइंस आर फाउंड इन ह्यूमन्स देन आपका फोर हो जाता आंसर ठीक है नेक्स्ट वी हैव प्रीमोलर्स जो कनाइंस है कनाइंस के जस्ट आगे होते हैं प्रीमोलर्स चार चार होते हैं ये हर जॉ के अंदर ठीक है इनका काम क्या होता है च्यू करना ठीक है और ये फुली डेवलप के होते हैं कब होते हैं दस से ग्यारह साल की एज में फुली डेवलप होते हैं ठीक है, है ना और प्री मोलर्स के बाद में जस्ट क्या होते हैं आगे वो मोलर्स होते हैं वो होते हैं अच्छे होते हैं तो एक आपके जो जॉ है उसमें सिक्स मोलर्स फोर प्रीमोलर्स टेन टू के नाइन्स ट्वेल्व एंड फोर इंसीजर्स सिक्सटीन तो हर जॉ में आपके सिक्सटीन क्या होते हैं ये टीथ है तो एक जो सिक्सटीन तो दूसरे जो में कितने कितने होंगे 16 होंगे पे थर्टी टू है आपको दिखाया था कि pharynx कैसा होता है ये है pharynx. पहले भी आपको बताया था कि जब हम इनहेल करते हैं हम सांस लेते हैं ठीक है तो जो मुंह के पीछे जो अपनी जहां ये ब्रीथ टकरा रही है जो हवा टकरा रही है जहां कूल कूल फील होता है उस पोर्शन को आप क्या बोलते हैं फेरिंग्स फेरिंग है ठीक है और ये जो फेरिंग्स है उसका हम पढ़ते हैं -like है। जैसे कैरी है, कर सकते हैं है? -like है, जैसे होता है अब इसका जो फेरिंग्स है फेरिंग्स में एक उसकी शेप एक होती है या फिर बोलेंगे फेरिंग्स में एक पर्टिकुलर एक ऑर्गन होता है उसका पार्ट होता है एपिग्लॉटिस ठीक है एपिक्लॉटिस क्या होता है ठीक है वो हम देखेंगे आगे इससे पहले एक बार देख लीजिए कि है क्या एक फ्लैप या लिड लाइक ऑर्गन है फ्लैप बोले तो एक ढक्कन जैसा होता है है ठीक एक ढक्कन जैसा ऑर्गन होता है जो करता क्या यहाँ पे जो करता क्या देखो यहां पे फूड को जो आपका फूड है उसको ट्रेकिया में जाने से रोकता है और जो एयर है उसको फूड पर पे जाने से रोकता है ठीक है अब बेसिकली ये होता क्या है अरेंजमेंट वो अपन देखते हैं एक बार तो यहां अगर आप लोग देखेंगे तो यह है आपका नेजल कैविटी या आपका बगल कैविटी है या आपका माउथ है आपको बोला था कि माउथ के पीछे जो जहां आप ब्रीदिंग करते हो जहां आपको कूल फील होता है आप उसको बोलते हैं यहाँ पे क्या फेरिंग्स बोलते हो ठीक है तो फेरिंग्स में अभी मैंने आपके नाम लिया आप ये जो भी ऑर्गन थे सभी को भूल जाओ केला लिए आप याद कर रखो अभी एपिक्लॉटिस एपिक्लॉटिस क्या होता है एक फ्लैप लाइक ऑर्गन है एक ढक्कन जैसा ऑर्गन है

ठीक है ये आपसे पूछ सकते हैं कि विंड पाइप जो है वो आगे होता है और फूड पाइप आपका पीछे होता है और यह यहाँ पे आपका एपिग्लॉटिस है अब देखिए करता क्या है जब भी आप कोई फूड लेते हो ठीक है तो फूड यहाँ पे आएगा तो इस पर प्रेशर पड़ेगा प्रेशर पड़ेगा इसके ऊपर ठीक है तो ये अभी तो ऐसे है लेकिन जब इस पर प्रेशर पड़ेगा तो कैसा हो जाएगा ये ऐसे हो जाएगा फ्लैट हो जाएगा तो एयर को ये बंद कर लेगा यानी कि एयर पाइप को बंद कर लेगा विंड पाइप को बंद कर लेगा यहाँ पे आपका फूड जाएगा नहीं फूड आपको कहां जाएगा डायरेक्टली फूड पाइप के अंदर जाएगा ठीक है तो एक बार वापिस बताता हूं ये आपका है यहां पे क्या एपिग्लॉटिस है ठीक है जो फेरिंग्स के अंदर होता है ठीक है एक फ्लैप लाइक ऑर्गन होता है ये ये क्या करता है ये जो है वो फूड को विंड पैप के अंदर जाने से रोकता है और जो आपकी एयर आ रही है उस एयर को फूड पाइप के अंदर जाने से रोकता है अब देखते देखते यहां पे जो फेरिंग्स है उसके यहां पे चार पार्ट होते हैं ठीक है तो फेरिंग्स का जो पार्ट नोज से कनेक्टेड है ठीक है या नेजल क्योरिटी से कनेक्टेड है उसको बोलेंगे क्या नेजो फेरिंग्स और जो माउथ से कनेक्टेड है उसको मैं क्या बोलेंगे यहां ओरो फेरिंग्स माउथ को हमने ओरो क्यों बोला क्योंकि आपका पहले होता था क्या ओरल है ना मौखिक जो आपका टेस्ट होता था आपको केवल बोलना होता था ठीक है तो इसलिए ये जो माउथ से कनेक्टेड पार्ट है फेरिंग्स का आप उसको यहां पर क्या बोलोगे ओरो फेरिंग्स ठीक है एक चीज यहाँ पे देखिए ये जो आपका विंड पाइप है विंड पाइप आपके क्या होते हैं यहाँ पे वोकल कोड होते हैं जहां से आप साउंड प्रोड्यूस करते हो ठीक है अगर आप गले में हाथ लगाओगे तो जब भी आप बोलते हो तो आपको यहां पे क्या समय देगा एक वाइब्रेशन जैसा फील होगा ठीक है ना तो जहां ही वाइब्रेशन जैसा फील हो रहा है इसको आप बोलते हो क्या वोकल कोड यहां से आपकी साउंड प्रोड्यूस हो रही है तो वोकल कोड है इसको हम बोलते है, बोलते हैं यहां पे क्या लैरिंग्स बोलते हैं लैरिंग्स इसको लैरिंग्स इसको बोलते हैं इसको याद कैसे करना है कि जो लिरिक्स है जो गाने की लिरिक्स है वो प्रोड्यूस कहां से होगी लैरिंग्स से प्रोड्यूस होगी ठीक है अब हम देखते हैं जो पार्ट फेरिंग्स का कनेक्टेड है नोज से उसको बोला अपन ने नेजो फेरिंग्स और जो माउथ से कनेक्टेड है उसको अपने बोला क्या ओरो फेरिंग्स और जो पार्ट इसका कनेक्टेड है किससे यहाँ पे लैरिंग्स से कनेक्टेड है उसको हमने क्या बोला लैरिंग ऑफ फेरिंग्स बोला है ठीक है तो ये डायग्राम हो गया अब हम आते हैं इसके अगले पार्ट पे ठीक है जो अगला आपका जो ऑर्गन है वो कौन सा होता है आपका यहाँ पे ईसोफेगस होता है ठीक है

माउथ से फूड को स्टमक तक कौन पहुंचा रहा है ईसोफेगस ठीक है अब देखिए इसमें क्या होती है म्यूकस ग्लैंड होती है जो आपका ईसोफेगस है ये जो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है इसमें क्या होती है म्यूकस ग्लैंड होती है और म्यूकस क्या है होता है बेसिकली देखिए म्यूकस होता है आपका जो एक स्टिकी एक फ्लूड होता है म्यूकस ठीक है जो नोज है नोज के अंदर भी क्या होता है म्यूकस होता है वहां उसका काम क्या होता है जो भी आपके डस्ट पार्टिकल आ रहे हैं जो बैक्टीरिया आ रहे हैं उनको वहां पर प्रिवेंट करना अंदर बॉडी में एंटर करने से ठीक है ना तो ये एक स्टिकी फ्लूड जैसा होता है आपका म्यूकस ठीक है तो म्यूकस ग्लैंड होती है वहां पे म्यूकस को स्टिकट करती है के अंदर उससे क्या होगा फूड आपका क्या हो जाएगा स्टिकी बन जाएगा चिपचिपा बन जाएगा ठीक है और स्टीमी बन जाएगा ठीक है ना अब देखिए जो आपका ईसोफाइगस है इसमें कुछ पर्टिकुलर आपके कुछ मूवमेंट पाए जाते हैं ठीक है थीके? जैसे आपने देखा होगा कि आप भले ही लेट रहे हो कई बार के सुक, खाना खा खा रहे होते हो या कई बार आप खड़े खड़े खाना खा रहे होते हो ठीक है ना तो जब आप खड़े हुए खाना खाते हो तो क्या कभी आपको ऐसा फील हुआ है कि आपने खाना खाया और डायरेक्ट आपका जैसे मान लिया आपने हाथ से कोई बॉल आपने ड्रॉप की और डायरेक्ट आपकी वो पेट में आके गिरिए ऐसा होता नहीं है आपको ऐसा फील होता है कि यहां पर कुछ मूवमेंट हो रहा है है ना यहाँ जो है वो फूड यहाँ पे आपका जाता है ठीक है ना धीरे 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 जाता है वो कैसे जाता है वो अपन देखते हैं यहाँ पे देखिए ये जो आपका ईसो है इसमें क्या होता है कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होते हैं कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है सिकुड़ा यहां पे हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन और फिर क्या होता है यहां पे रिलैक्सेशन तो मान लीजिए ये आपकी ट्यूब ऐसे थी तो इस ट्यूब में यहां पे क्या हुआ पहले कॉन्ट्रेक्शन हुआ तो ये अंदर की और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी फिर इसमें क्या हुआ रिलैक्सेशन हुआ फिर वापिस वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई फिर रिलैक्स फिर कॉन्ट्रैक्ट फिर, फिर रिलैक्स तो ये जो कंटिन्यूस जो यहाँ पे क्या हो रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहे हैं आपकी इस ईसोफेगस ट्यूब के अंदर इससे क्या होगा एक वेव लाइक मूवमेंट क्रिएट होगा जो ये जो लाइक मूवमेंट क्रिएट हुआ है किसकी वजह से कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से ये जो आपकी ईसोफेगस ट्यूब के अंदर क्या हो रहा है कंटिन्यूस कॉन्ट्रेक्शन यानी कि सिकुड़ना और फैलना कंटिन्यूअस कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन से जो यहां पे एक वेव लाइक मूवमेंट क्रिएट हो रहा है इस वेव लाइक मूवमेंट को आप क्या बोलते हैं यहां पे पेरिस्टाइलिस मूवमेंट अब इस मूवमेंट का फायदा क्या है ये मूवमेंट क्या करता है ये फूड को आपके आगे की ओर फ्लो करवाता है ये जो आपका पेरिस्टाइलिस मूवमेंट है ये फूड को आगे की ओर फ्लो करवाता है ठीक है ये इसका यहाँ पे इंपॉर्टेंस है ठीक है अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट जो आपका ऑर्गन है वो आपका है यहाँ पे स्टमक ये आपका स्टमक है कैसा है एक जे शेप्ड ऑर्गन है जी जो एक अल्फाबेट है इंग्लिश अल्फाबेट जे की जैसा ही ऑर्गन है ठीक है तो इट इज अ शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन लोकेटेड बिटवीन ईसोफेगस एंड द ड्यूडिनम ड्यूडेनियम क्या होता है ड्यूडिनम आपका होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है ठीक है ना पहला पार्ट तो ये है ड्योडेनम और ये आपका कौन सा आपका ईसोफेगस है तो ईसोफेगस और ड्यूडेनम के बीच में होता है कौन आपका स्टमक और जो स्टमक है उसके लिए हमने यहां वर्ड कौन सा था यहां पे गैस्ट्रो ठीक है तो मान लीजिए कोई आ, पेट का स्पेशलिस्ट डॉक्टर है तो उसको हम क्या बोलेंगे यहां पे गैस्ट्रोलॉजिस्ट या मान लीजिए कोई इसकी स्टडी करता है स्टमक की ठीक है तो स्टमक की स्टडी को हम क्या बोलेंगे यहां पे गैस्ट्रोलॉजी ठीक है तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया अब देखते हैं इसकी लोकेशन क्या होती है बिटवीन ईसो एंड ड्यूडेनम अब देखिए लेफ्ट ऑफ कैविटी अब ये एबडोमिनल कैविटी क्या होती है ये जो आप देखते हो कई बार मूवी के अंदर कोई एक्टर आता उसके, है उसके सिक्स पैक एब्स हैं एट पैक एब्स हैं तो जो एब्स है उसका यहाँ शॉर्ट टेम के यहाँ पे सॉरी जो एबडोमिनल है उसका शॉर्ट नेम क्या होता है एब्स होता है ठीक है ना तो ये जो जहां आपको एबडोमिनल दिखते हैं ठीक है स्टमक का जिसको नॉर्मली हम लैंग्वेज बोलते हैं स्टमक बोलते हैं या पेट बोलते हैं ठीक है ना तो जहां आपको दिखते हैं क्या वो उनके लेफ्ट साइड में क्या होता है आपका स्टमक होता है लेफ्ट ऑफ कैविटी नेक्स्ट पोस्टीरियर पोस्टीरियर पे पीछे किसके डायफ्राम के पीछे होता है अब डायफ्राम भी एक मस्कुलर आपका ऑर्गन है इसका मेन पार्ट या इसका जो मेन फंक्शन है वो हम देखेंगे यहां पे रेस्पिरेशन के अंदर अब देखिए इसकी स्पेशलिटी uh, क्या है इट इज अ फ्लेक्सिबल ऑर्गन दैट कैन होल्ड अप टू थ्री लीटर्स ऑफ फूड एक फ्लेक्सीबल ऑर्गन है आपने देखा होगा खाना खाने से पहले बिल्कुल पेट चिपका हुआ है और खाना खाने के बाद में आपका पेट थोड़ा सा फूल जाता है ठीक है ना तो ये एक फ्लेक्सिबल ऑर्गन है और थ्री लीटर तक फूड को ये होल्ड कर सकता है अब देखिए जो स्टमक है उसके यहाँ पे तीन पार्ट होते हैं स्टमक के तीन पार्ट कौन कौन से वो हम देखते हैं एक बार देखिए कार्डियक पोर्शन ठीक है ये जो सबसे लेफ्ट जो सबसे यहाँ पे बोलेंगे हम जो लेफ्ट में है बोलोगे सर ये तो पिक्चर का क्या है राइट है नहीं पिक्चर का तो राइट है लेकिन मान लीजिए अगर आप यहां खड़े हैं तो आपका कौन सा पार्ट होगा ये लेफ्ट होगा ठीक है और ये कौन सा होगा यहाँ पे इस इंसान का यहाँ पे ये राइट होगा ठीक है तो किसी भी ह्यूमन बॉडी का जो लेफ्ट पार्ट है स्टमक का जो लेफ्ट पार्ट है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे क्या कार्डियक पोर्शन बोलते हैं ठीक है तो इट इज लार्जेस्ट लेफ्ट पोर्शन कनेक्टेड टू ईसोफेगस तो किससे है यहां पे ईसा फाइगस से ये कनेक्टेड है और सबसे बड़ा ये पोर्शन आपको दिख रहा है सबसे बड़ा पोर्शन है ठीक है फिर हाँ आपका फंडिस, फंडिस है आपका फंडस जो फंडस है फंडस क्या होता है मिडिल पोर्शन और क्या होता है ये डायफ्राम के जस्ट पीछे होता है तो ये जो मिडिल पोर्शन है उसको हम बोलेंगे यहां फंडस और ये क्या होता है डायफ्राम के पीछे होता है नेक्स्ट वी और पाइलोरिक स्टमक देखो जो स्टमक का जो लास्ट पार्ट है उसको बोलते हैं यहां पे क्या अपन पाइलोरिक स्टमक या पाइलोरस बोलते हैं ठीक है ठीके? ये सबसे छोटा पार्ट होता है और ये सबसे राइट में होता है यहां पे और ये कनेक्टेड किससे से यहां पर ड्यूडेरम से कनेक्टेड है तो एक बार हम फिर से देखते हैं सबसे पहला जो पार्ट है स्टमक का जो स्टमक का सबसे पहला पार्ट है उसको बोलेंगे कार्डियक स्टमक और जो बीच का पार्ट है उसको बोलेंगे क्या अपन फंडस और जो सबसे लास्ट में है उसको क्या बोलेंगे आप पायलोरिक स्टमक बोलेंगे ठीक है आप चाहो तो इसको एबीसीडी की जो टेक्निक उससे भी याद कर सकते हो जैसे कि सी एफ और पी इनमें सबसे पहले कौन सा आएगा कार्डियक फिर बाद में आएगा एफ बीच में आएगा यानी कि मतलब सी सबसे पहले आएगा फिर एफ उनके बीच में आएगा और पी सबसे इनमें क्या आएगा लास्ट में आएगा ठीक है ना तो आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हो तो सबसे पहले कार्डियक लेफ्ट में होता है सबसे बड़ा होता है बीच में फंडस और सबसे लास्ट में कौन सा आपको यहाँ पे देखो योगा पायलोरस या पायलोरिक स्टमक, स्टमक और ये जो आपका कार्डिक स्टमक है वहां पे किससे कनेक्टेड है यहां पे ईसोफेगस से कनेक्टेड है और जो आपका यहां पे कौन सा पायलोरिक स्टमक वहां पे कनेक्टेड किससे है पे किस से, से है, ठीक है तो नेक्स्ट आपका जो ऑर्गन है वो यही है कौन सा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन तो स्मॉल इंटेस्टाइन से पहले हम देखते हैं कि वी हैव हेयर वी हैव टू स्पिंग इन द स्टमक तो स्टमक की सॉरी स्पिंग की बात हमने ऑलरेडी पहले कर ली है तो यहां हम देखेंगे एक बार कि स्टमक के अंदर स्फिंक्टर कहां कहां एक तो होता है यहां पे होता है स्फिंक्टर गोल गोल होगा यहां पे और एक होगा यहां पे ठीक है यहां जो स्फिंक्टर होगा वो क्या करेगा अगर आपने आपको आपको अगर याद हो तो अभी अपने पढ़ा था कि जो स्फिंक्टर वो करते क्या मिलनी यहां पर फूड के फ्लो को कंट्रोल करते हैं तो यहां जो जो स्टमक के अंदर जो फूड आएगा ठीक है उसके फ्लो को कंट्रोल कौन करेगा ये वाला स्फिंक्टर अब ये स्फिंक्टर है कहां पे ईसोफेगस के लास्ट में ईसोफेगस के लास्ट वाले पोर्शन के अंदर है तो इसका नाम क्या हो जाएगा लोअर ईसोफेगियल स्टमक लोअर ईसोफेगियल स्टमक या फिर इसका जो तो स्टमक का पहला पार्ट कौन सा था कार्डियक था तो आप इसके दो नाम बोल सकते हो या तो कार्डियक स्फिंक्टर या फिर बाद में लोअर ईसोफेगियल स्फिंक्टर देखिए कार्डियक और लोअर ईसोफेगियल स्फिंक्टर नेक्स्ट वी हैव एक आपका स्फिंगटर होगा यहां पे ये यह क्या करेगा फूड जो यहाँ पे आपका स्टमक में फूड है उसको लाइक like, uh, केवल वन टी स्पून को ही एक बार में आगे पास होने देगा तो इस स्टमक का या इस uh, स्फिंगटर का नाम क्या हो जाएगा यहां पे स्टमक का लास्ट पोर्सन कौन सा था यहाँ पे पायलोरस था तो इसका नाम यहां पर क्या हो जाएगा पायलोरिक स्फिंगटर ठीक है सो नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज स्मॉल इंटेस्टाइन ये आपका यहां से स्टार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन यहां तक है स्मॉल इंटेस्टाइन यहां से यहां से स्टार्ट है और यहां तक है। इसके तीन पार्ट है ड्योडेनम सबसे पहले फिर जेजोनम सबसे मतलब कि बीच में और एलियम सबसे यहाँ पे लास्ट में है ड्योडेनम सबसे पहले है जेजोनम बीच में है और एलियम सबसे लास्ट में है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट ठीक है और पूरे जो आपका डाइजेस्टिव जो आपका ऑर्गन है जो आपकी पूरी गट है इसमें सबसे बड़ी जो सबसे बड़ा जो ऑर्गन है वो क्या होता है आपका यही होता है कितना सेवन मीटर्स लॉन्ग होती है ठीक है और जो आपका फूड है उसका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन दोनों का होते हैं यहीं पे होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होते हैं मैगजिम डायजेशन एंड मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहां पे होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होता है ठीक है अब देखते हैं कि इसके यहां पे तीन पार्ट है जो हमने ऑलरेडी यहां देख ली है देखते हैं स्पेसिफिकली इनका क्या काम है तो ये जो ड्यूडेनम है वो इसका फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का यहां आपने देखा ठीक है तो ड्यूडेनम में क्या होता है मैक्सिमम केमिकल डाइजेशन जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर होता है क्या फूड का मैक्सिमम केमिकल डाइजेशन और एब्जॉर्बन स्मॉल इंटेस्टाइन का भी कौन सा पार्ट यहां पे ड्यूडेनम ठीक है तो अगर आपके एग्जाम में आए कि कौन से पार्ट में क्या होता है आपका मैक्सिमम डाइजेशन होता है तो आप क्या बोलोगे ड्यूडेनम ठीक है स्लैश लगा के स्मॉल इंटेस्टाइन सेस नहीं में लिख देना ठीक है ना ड्यूडेनम विच इज द पार्ट ऑफ़ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये जो यहाँ पे डाइजेशन होता है किसकी हेल्प से होता है यहाँ पे वो एंजाइम्स की हेल्प से होता है अब ये जो एंजाइम्स हैं, वो क्या होते हैं एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट बायोमीन्स लिविंग और कैटेलिस्ट क्या होते हैं टलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो रेट है ठीक है उसको चेंज करते हैं तो एंजाइम्स क्या होंगे एक बायो कैटलिस्ट है जो क्या करते हैं यहाँ पे डाइजेशन को यहाँ पे कंट्रोल करते हैं ठीक है तो जो आपका ड्योडेनम है इस ड्यूडेनम में क्या होता है तो जो आपका ड्योडेनम है इस ड्यूडेनम में क्या होता है मैक्सिमम केमिकल डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट ड्यूडिनम इसमें क्या होता है मैक्सिमम केमिकल डाइजेशन और ये क्या होता है इसका फर्स्ट पार्ट होता है और ये किससे कनेक्टेड होगा पे स्टमक से कनेक्टेड होगा ठीक है ये है इसका सेंट्रल पार्ट ठीक है जेजुनम इसमें क्या होता है एब्जॉर्ब मैक्सिमम और किसकी हेल्प से होता है यहां देखिए वो एंटेरियो साइड्स अगर आपने कल वाली या इससे पहले का अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको बताया था मैंने कि साइड्स मीन क्या होता है यहाँ पे सेल होते हैं ठीक है ना तो एंटेरियो क्या होते हैं एक टाइप की एंटेर क्या है? की सेल होती है एक एक टाइप टाइप की की सेल सेल होती होती है है स्पेशल जो क्या करती है ठीक है ठीके? ये स्मॉल इंटेस्टाइन मान लीजिए अगर ऐसी है तो इसमें क्या है? Finger -like projections होती है ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है वहां पे आपकी क्या होती है एंटेरसाइड्स होती है और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे विलीज बोलते हैं और इनकी हेल्प से क्या है? होता है यहाँ पे डाइजेशन होता है ठीक है तो मैक्सिमम डाइजेशन जो है यहां पे क्या हो रहा है आपका ड्यूडेनम में हो रहा है और जो मैक्सिमम एबजॉर्प्शन हो रहा है वो यहां पे क्या हो रहा है देखो जेजोनम के अंदर हो रहा है सो नेक्स्ट वी हैव इलियम जो भी फूड का डाइजेशन यहां हो गया उसके बाद तो यहां पे क्या होगा उसका यहां पे एब्जॉपन हो जाएगा अब जो चीज यहां पे क्या बच्चे की जिनका एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ उनका एब्जॉप कहां पे होगा इलियम के अंदर होगा ठीक है तो ईलियम किस किस का एब्जॉपन करता है देखिए यहां पे एक तो बाइल सॉल्ट बाइल जो है वह पे किससे सीक्रेट होता है यहाँ पे लीवर से होता है ठीक है देखेंगे लीवर के बारे में अगली क्लास के अंदर और विटामिन तो जो चीजें जेजुनम में नहीं होती है उनका कहां पे होगा कहालियम के अंदर उनका एब्जॉर्प्शन होगा ठीक है देन वी हैव लार्ज इंटेस्टाइन ठीक है स्मॉल इंटेस्टाइन आपने देख लिया पे सबसे पहले आपका ड्यूडेनम जेजुनम ईलियम जो आपका स्टमक है उससे कनेक्टेड क्या है यहां पर यहां पे आपका ड्यूडेनम है ठीक है तो स्मॉल इंटेस्टन का पहला पार्ट है ड्यूडेनम इसमें क्या होता है मैक्सिमम केमिकल डाइजेशन किसकी हेल्प से होता है एंजाइम्स की हेल्प से होता है फिर है आपका जेजुनम सेंट्रल पार्ट है या मिडिल पार्ट है किसका स्मॉल इंटेस्टन का इसमें क्या होता है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन किसकी हेल्प से होता है एंटीरियर साइड की हेल्प से होता है जिन चीज का एब्जॉर्प्शन यानी कि बाइल का और विटामिन का यहां पे नहीं हुआ है उनका एब्जॉर्प्शन कहां पे होगा इलियम के अंदर होगा ठीक है यहां आपका इलियम खत्म हो गया यहां से आपका स्टार्ट क्या होगा लार्ज इंटेस्टाइन ठीक है आप देखोगे सर आ, कि ये जो है ये जो आपकी यहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन है और इसका नाम क्या है लार्ज इंटेस्टाइन है ठीक है अब अभ, अभी हम देखेंगे ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसकी लेंथ क्या होती है लगभग वन पॉइंट थ्री मीटर होती है और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी हम लेंथ कितनी देखी है यहां पर सेवन मीटर होती है तो आप बोलोगे सर इसको होना चाहिए था ना लंबा तो ठीक है इसको होना चाहिए आपको लार्ज और आप इसको बोलते क्या स्मॉल बोलते लेकिन देखिए यहां पे जो इनकी लेंथ है उससे हमने इनको स्मॉल या लार्ज नहीं बोला है अगर आपने क्या देखो आप देखोगे यहां पे डायमीटर देखोगे तो इसका डायमीटर छोटा है इसलिए इसका नाम पर क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन और इसका डायमीटर क्या है बड़ा है इसलिए लार्ज इंटेस्टाइन तो जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन है वो आपकी यहां से स्टार्ट हो जाती है यहां पे आपका एंड क्या होगा एलियम एंड होगा और यहां पे आपका स्टार्ट क्या होगा लार्ज इंटेस्टाइन ठीक है ये जो अपेंडिक्स और सीकम है दोनों पार्ट किसके हैं लार्ज इंटरसाइन के पार्ट है हम देखते हैं इसको देखो सम स्पेशियल बैक्टीरिया आर फाउंड फाउंडेयर ठीक है कुछ एक बार देखते हैं इट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ रिमेनिंग फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन याद रखिए कुछ आपके स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया पाए जाते हैं यहां पे किसके अंदर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ठीक है इनका देखते हैं काम क्या है देखो जो हमने देखा कि यहां पे जो फूड है वो यहां पे क्या हो गया आपका पूरा आपके यहां पे आपका उसका क्या हो गया यहाँ पे डाइजेशन हो गया ठीक है लेकिन जो फूड है उसका पूरा डाइजेशन नहीं हो पाता उसके कुछ पार्ट क्या होते हैं कई बार यहां पे बच जाते हैं वो अनडाइजेस्टेड रह जाते हैं तो जो अनडाइजेस्टेड फूड है उनका क्या होता है यहाँ पे फर्मेंटेशन होता है पहले देखते हैं फर्मेंटेशन होता क्या है देखिए कोई भी जो ऑर्गेनिक चीज है यानी जो लिविंग थिंग्स है जो ऑर्गेनिक चीज मतलब कि जो लिविंग थिंग्स है जिसमें जान है ठीक है या जिसको अपन ने लिविंग थिंग्स अपने उसको उपटेन किया है यानी कि पेड़ पौधों से जो अपन खाना खा रहे हैं वो भी क्या होगी एक लिविंग थिंग होगी ठीक है तो जो भी आपकी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ठीक है या जो भी आपकी लिविंग थिंग है या भी जो भी आपकी ऑर्गेनिक थिंग है उसको जब आप क्या करते हो ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्या करते हो उसका अगर आप क्या करें उसका ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्या करें उसका अपन डाइजेशन करें तो आप इस प्रोसेस को क्या बोलोगे फर्मेंटेशन बोलोगे ठीक है नॉर्मली जो फर्मेंटेशन है उसको समझ सकते हैं हिंदी में इसको बोलते हैं किणवन यानी किसी भी चीज का सडना या गलना ठीक है ऑक्सीजन की एब्सेंस में किसी भी चीज का क्या होता है जो डाइजेशन होता है तो उसमें क्या होती है इसके अंदर स्मेल आती है तो जो सड़ना या गलना हो रहा है किसी चीज का उसको क्या बोलोगे यहाँ पे फर्मेंटेशन बोलोगे मेनली जो वाइन वगैरह बनाते हैं वो हम इसी तरीके से बनाते हैं ठीक है फर्मेंटेशन करके बनाते हैं ठीक है तो हम एक बार देखते हैं वापस जो आपका फूड क्या था है यहां पर अनडाइजेस्टेड था किसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वो आपका किस में आएगा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आएगा यहाँ क्या होता है स्पेशल बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करेंगे फर्मेंटेशन जो प्रोसेस है उसकी हेल्प से क्या करेंगे उस फूड का डाइजेशन करेंगे ठीक है इसका लार्ज इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन क्या है पहला तो क्या करना है आप इसका फर्मेंटेशन करना या जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसका यहाँ पे डाइजेशन करना फिर बाद में जो वाटर और जो मिनरल्स रह गए थे किसके अंदर इन पार्ट के अंदर अनएब्जॉर्ब रह गए थे उनको यहाँ पे क्या करना एब्जॉर्ब करना ठीक है और फिर बाद में क्या करना जो, जो वेस्ट है यहाँ पे उस वेस्ट को एनएस के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल देना एक बार आप इसको बताता हूं लार्ज इंटेस्टन के पार्ट क्या क्या है एक तो क्या करती है जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसका डाइजेशन करती है कौन से प्रोसेस के थ्रू फर्मेंटेशन के थ्रू और करता कौन है यहाँ पे वो स्पेशल बैक्टीरिया फिर क्या करती है जो वाटर है और जो मिनरल्स है उनको एब्जॉर्ब करती है ठीक है और जो अनडाइजेस्टेड फूड है या जो वेस्ट है उसको एनएस के थ्रू बॉडी से बाहर निकालती कौन है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन अब हम देखते हैं कि इसके भी क्या है तीन पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन के भी देखिए यहां पहला पार्ट है सीकम ये वाला फिर है कौन सा कॉलन जो कॉलन है ये सबसे बड़ा पार्ट है किसका लार्ज इंटेस्टाइन का फिर बाद में आपका रेक्टम है तो ये यह यह, यहां पर पे आपका सीकम हो गया ये आपका कॉलन हो गया फिर आपका लास्ट रेक्टम है देखिए यहां पे जो आपका यह कोलन है जिसके हमने तीन पार्ट बोले चार पार्ट बोले कौन कौन से असेंडिंग ट्रांसवर्स डिसेंडिंग और सिग्मोइड ये यू शेप के अंदर है ऐसे होता है यू तो ये आपका उल्टा यू है ठीक है चलिए सीकम क्या है फर्स्ट पार्ट है किससे कनेक्टेड है यहां पे इलियम से कनेक्टेड है और यहीं पे क्या होता है आपका वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स होता है ठीक है यह आपका सीकम है यह आपका इलियम एंड हो गया यहाँ पे आपका सीकम स्टार्ट हो रहा है सीकम के अंदर ही आपको क्या मिलेगा यहाँ पे अपेंडिक्स मिलेगा देखो जो आपको कीड़े के जैसा या जो वर्मी, जो वर्मी वर्मी है वर्मी का मतलब क्या होता है कीड़ा होता है ठीक है गोल कीड़ा तो ये जो गोल कीड़े के जैसे जो आपको दिख रहा है यहाँ पे जो वर्मी के फॉर्म में आपको दिख रहा है आप इसके अंदर क्या बोलते हो अपेंडिक्स बोलते हो कई बार आपने सुना होगा किसी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ या किसी के अपेंडिक्स का दर्द हो रहा है ठीक है ना तो जो पहले जो ह्यूमंस थे उनके अंदर इसका यूज था डाइजेशन के अंदर लेकिन अभी इसका कोई काम नहीं है इसको बोलते हैं एक वेस्टिजिल ऑर्गन वेस्टिजिल ऑर्गन क्या होता है जिनका पहले कभी यूज रहा होगा लेकिन अभी उनका कोई यूज नहीं है ह्यूमन बॉडी के अंदर या किसी भी अदर बॉडी के अंदर तो इसको क्या करते हैं मान लीजिए इसमें कोई फूड का ग्रेन फंस गया तो उसके दर्द होता है ह्यूमन के तो उसको बाद में कट कर दिया जाता है ऑपरेशन के थ्रो ठीक है ना तो इसका कोई ज्यादा अभी इंपॉर्टेंस है नहीं जो साइंटिस्ट है वो पता लगा रहे हैं कि इसका पहले क्या यूज हुआ होगा या क्या यूज रहा होगा ह्यूमन के अंदर अर्ली स्टेजेस के अंदर तो अब स्टार्ट करते हैं हम कॉलन अभी आपको बताया यू शेप होती है इसके चार पार्ट होते हैं असेंडिंग ट्रांसवर्स डिसेंडिंग सिग्मोइंट वैसे आपको इसके जो है दिए गए हैं क्या आपको लेंथ दी गई है तो उसको याद करना आपको जरूरी है नहीं लेकिन ये आपकी सबसे लॉन्गेस्ट होती है इस पूरे कोलन की सबसे जो ये आपकी लार्ज इंटेसन का बड़ा पार्ट है इसका यहां पे लेंथ कितनी होती है यहाँ पे वन पॉइंट थ्री मीटर होती है नेक्स्ट वी हैव रेक्टम जो रेक्टम है ये क्या है आपका एलिमेंट्री कैनाल का या जो गर्ट है उसका टर्मिनल यानी कि सबसे लास्ट वाला एंड है ठीक है लगभग ट्वेंटी सेंटीमीटर ये होता है ठीक है अब ये जो रेक्टम है रेक्टम का रेक्टम का भी जो लास्ट पार्ट है उसको हम बोलते हैं एनल कैनाल ठीक है और जो एनल कैनाल जहां बॉडी के बाहर ओपन होती है उसको बोलते हैं एनएस और एनएस के थ्रू क्या होता है बॉडी का जो वेस्ट है वो बॉडी से बाहर निकलता है ठीक है जो एनएस है ठीक है इस एन को क्या बोलते हैं अपन लास्ट पार्ट ऑफ गट या एलिमेंट्री कैनाल या डायजेस्टिव कैनाल यहाँ आपके रेक्टम में क्या होता store, है फूड स्टोर जो अनडाइजेस्टेड फूड है यानी कि जो वेस्ट है वो यहां पे क्या होता है स्टोर रहता है पे रेक्टम में कुछ टाइम के लिए ठीक है ना अब वो जो वहां फूड स्टोर या जो अनडाइजेस्टेड फूड या जो वेस्ट वहां पे स्टोर है उसको रिलीज जब करते हैं तो वहां पे दो स्विंटर्स का यूज होता है वो जो दो फिंकर कौन कौन सी देखो आपकी इंटरनल और एक्सटर्नल तो जो आपका फूड जो आपका यहाँ पे वेस्ट है डाइजेस्टेड uh, जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है उसको बॉडी से बाहर निकालने का काम कौन करेगा यहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल करेंगे तो गाइज दिस इज द एंड ऑफ वीडियो इन द नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट विच आर इन द प्रोसेस सो आई वुड सजेस्ट यू टू फोकस ऑन योर स्टडीज बिकॉज टाइम बहुत कम है ठीक है जब आपका सेशन स्टार्ट होगा तो ऑलरेडी आपके पास टाइम बहुत कम होगा ठीक है अभी जो लॉकडाउन चल रहा है उसकी वजह से आप जो है आपकी क्लासेस स्टार्ट हो नहीं पाई हैं और लगभग आपको एक मंथ का तो लॉस हो चुका है तो कोशिश कीजिए कि आप जल्दी से जल्दी अपनी स्टडीज चालू कीजिए ठीक है बाकी जो कहीं ना कहीं किसी न किसी चैनल पे आपको जो मैथ की क्लासेस वो भी मिल जाएंगी ठीक है या फिर कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए मैं आपको बताऊंगा ओके सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन बाय